सो so, स्वागत है आप सबका तो जैसा कि हम सब जानते हैं आईसीआर का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है तो मैंने जो वीडियो बनाई है उस वीडियो को देखिए और एप्लीकेशन फॉर्म जाके फिल कर दीजिए उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा तो इस वीडियो में बात करेंगे आई के एग्ज़ाम की सिलेबस को लेकर बहुत लोग जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या फिर वो लोग जो मेनली नीट या जेई को लेकर तैयारी करते हैं उनको आई के सिलेबस को लेकर आइडिया नहीं होता है और बहुत लोग पूछ रहे थे कि आई का सिलेबस क्या है तो अगर आपका नीट में कम मार्क्स है या फिर जेई में कम मार्क्स है तो आई आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ये एक ऐसा फील्ड एग्रीकल्चर जहाँ गवर्नमेंट अभी बहुत फोकस दे रही है गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि फार्मर्स के इनकम को डबल करना है और इसके लिए उन्हें पढ़े लिखे आई से ग्रेजुएट चाहिए तो अगर आप आई को चूज़ करते हैं तो आप एक बहुत अच्छा भविष्य अपना बना सकते हैं आई सी आर यू जी करने के बाद क्या क्या ऑप्शन रहते हैं आई को उसको लेकर मैं अलग वीडियो बना दूंगा अभी बात करते हैं कि आई का सिलेबस क्या है तो अगर आप आई के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को ठीक से पढ़ें तो वहाँ एक सेक्शन आता है सिलेबस ऑफ द टेस्ट जहाँ पे एक लिंक दिया है इस लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस खुलता है और इस इंटरफेस में अगर आप देखें तो यह लिखा हुआ है सिलेबस ए आई ई ए यू जी ट्वेंटी ट्वेंटी डॉट पी डी एफ यही सिलेबस है आईसीआर का इस एग्ज़ाम को लेकर भी तो इस सिलेबस को अगर आप यहां से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है अब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सारे अपडेट सबसे पहले आपको वहां मिलेंगे वहां मैं सिलेबस ही पोस्ट कर दूंगा प्लीज़ सिलेबस को पढ़ के जाइए अगर आप रियली सीरियस है कि आपको आईसीआर में एडमिशन लेना है तो प्लीज़ सिलेबस को पढ़ के जाइए अब आइए देखते हैं सिलेबस आईसीआर का फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड एग्रीकल्चर तो सिलेबस को लेकर बात करें फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट ये ऑलमोस्ट नीट और जेई के सिलेबस के जैसा ही है काइनेमेटिक्स है वहाँ पे फिर लॉ ऑफ मोशन है उसके बाद वर्क इनर्जी पावर है फिर मोशन ऑफ सिस्टम पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी मेनली ये सेंटर ऑफ मास और रोटेशन को लेकर है फिर ग्रेविटेशन दे रहा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर जहाँ पे इलास्टिक बिहेवियर और जो फ्लूइड नेचर है उसको लेकर है उसका थर्मोडाइनमिक्स है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी है ऑसिवेशन एंड वेव है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैगनेटिजम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑप्टिक्स डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन एटम्स एंड न्यूक्आई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज कम्युनिकेशन सिस्टम तो ऑलमोस्ट ये सिलेबस नीट के जैसा ही है बस ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ये नीट एग्जाम में नहीं आता है बट आई सी आर में आता है अब आइए देखते हैं केमिस्ट्री का सबसे पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसके बाद सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ एटम है फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीडसिटी इन प्रॉपर्टीज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर स्टेट ऑफ मैटर एंड गैसेज एंड लिक्विड थर्मोडानेमिक्स इक्विलब्रियम रेडॉक्स रिएक्शन हाइड्रोजन एस ब्लॉक एलिमेंट जहाँ पे ग्रुप वन ग्रुप टू जो कि इलेवंथ वाले एनसीआर टी में दिया हुआ है फिर प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप थर्टीन फोटीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक प्रिंसिपल्स हाइड्रोकार्बन जहाँ पे आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है केमिकल केमिकलका सरफेस केमिस्ट्री जनरल प्रॉपर्टीज एंड प्रोसेजे ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट उसका पी ब्लॉक एलिमेंट है इसमें ग्रुप फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एट्टीन डी एन एफ ब्लॉक कॉर्डिनेशन कंपाउंड हेलो एल्केन एंड हैलोस एल्कोहल फेनोलॉल ईथर एल कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन बायोमोलिक्यूल्स प्रॉलिमर्स इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यानी कि सिलेबस जो नीट और जी में वैसा ही है अगर आप टेंस हैं कि आपको कुछ अलग पढ़ के जाना एनसीआर के लिए नहीं एनसीईआरटी फोकस कीजिए लास्ट टाइम एन की बेसिक बेसिक डिटेल जो लास्ट केमिस्ट्री में तो मैंने देखा था कि जो बॉक्सेज दिए होते हैं एनसीआर के अंदर उनसे सवाल आया है उसके बायोलॉजी की बात करें तो लिविंग वर्ल्ड यूनिटी ऑफ लाइफ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट मल्टी उसके बाद अगला है ऑफ लाइफ ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी तो अगर आप ये देखें तो बायोलॉजी का सिलेबस जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा डिफरेंट हो जाता है फॉर एग्जाम्पल ये जो एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी है ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इन चैप्टर्स को थोड़ा पढ़ के जाइए अगर आप सच में आई के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप मैंने जो तो बेसिक टॉपिक्स तो मैंने बता दिए हैं पर इन टॉपिक्स के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं वो पढ़ के जाइए अगर आप रियली सीरियस है आई के लिए फिर मैथमेटिक्स की बात करें तो सेट एंड फंक्शन उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आगे है उसके बाद एल्जेबरा है कॉर्डिनेट ज्योमेट्री है यहाँ पे कैलकुलस वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री मैथमेटिक रीजनिंग स्टिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी स्टैटिक डायनामिक्स और एग्रीकल्चर आपको एग्रोटी मेटियोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रो बायोलॉजी लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन क्रॉप प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर इन सब चीज़ों को पढ़ना है तो मैंने ओवरव्यू बता दिया टॉपिक्स का ये इन पी को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहा हूँ अगर आप सच में सीरियस डी आई सी को लेकर तो प्लीज़ इस इसके एक एक सब टॉपिक्स पढ़ के जाइए बहुत अच्छा कोर्स आई सी आर इसका बहुत अच्छा भविष्य बना सकते हैं क्या क्या आगे ऑप्शन हैं आई सी आर के बारे में कहाँ से आप कितने पैसे कमा सकते हैं इसके बारे में सेपरेट वीडियो बना दूंगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू